जनाब ये कस्टमर मोड है, चक कस्टमर कहते हैं इसको। इसमें मैंने आज से पहले 10 साल हो गया ये एप्लीकेशन डालता हूँ फुल एलिग्रेशन वालों को, कोई हमारा सुनता नहीं है। अलबत्ता हमारे नया मकान में देखो आप, ज़मीन देखो हमारा क्या हाल है। हमारे बच्चे जो है जिस दिन बारिश होती है उस टाइम में बच्चों को दूसरे इलाकों में छोड़ते हैं लेकर। आप खुद भी मौका कर लीजिए आपके यहाँ आकर कि हमारे इस मकान की ज़मीन की और इस रास्ते जो है वो भी चले गए, सब कुछ चले गए। आप देखना नाले आगे से पीछे से 12 फुट बना कर रखे, आगे इनसे बना कर है 2 फुट कूल, उसमें कौन से पानी है ये छत्रकूल से लाकर कम से कम 15 किलोमीटर यहाँ तक आता है ये कूल लंबी। आगे इन्हें रखा है 2 फुट दीवार ये कूल। अच्छा इसमें ना कंक्रीट है, अगर कुछ दिया ही नहीं इनको, जब भी मैं एप्लीकेशन डालता है बोलता हमारे डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं है। है नहीं तो फिर कूल पीछे से क्यों बनाई इन्हें इतनी बड़ी 12 फुट? हमारे मकानों को क्यों नहीं सोचा ये डिपार्टमेंट वाले हमारे मकानों को ख़रीदे और ज़मीन को भी हमें यहाँ से कहीं चले जाएंगे। जब ये कूल निकाली है छतरगुल से यहाँ तक, हमें इसकी बहुत प्रॉब्लम रही और बहुत परेशानी रही इसकी। हमें इस चीज़ से परेशानी रही कि हमने इस वक्त तो उनको कहा कि भाई ये कूल आपने निकाली है यहाँ तक छतरगुल से यहाँ कृष्णमल तक, मगर इनों के पास हम जब भी जाते थे अरिगेशन वालों के साथ, डी के सामने जाते थे, किसी के सामने जाते थे, वो कहते थे यहाँ भाई कुछ नहीं है, हमारे पास कोई फंडस से नहीं है। अगर फंडस उसके पास नहीं है, 4 कनाल या 5 कनाल ज़मीन आ गए इस पे अब ये इसमें इस पानी के नीचे, बाकी इस पानी को कहाँ ले जाएंगे। हम ही इस वक्त तक ये इसका ये परेशानी करते 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 इस वक्त इन्होंने बनाई है पीछे जी 12 फुट, आगे से ये 4 फुट। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये पानी पीछे जी अल्लाह का कहर आ रहा है, इस कहर को हम कहाँ ले जाएंगे। इस वक्त ये आकर ज़मीनों में मकानों में इस वक्त हम बच्चे लेकर बाहर दूसरी जगह में बैठ कर रहे हैं, किसी ने हमारा नहीं सुना। कहीं हम जाते हैं कहते हैं भाई हमारे पास फंडस नहीं है, अगर फंडस नहीं है फिर किसी को पानी क्यों देता है। फिर सीधा बोलो भाई पानी किसी को मत दे दो, मगर किसी को इंसान बचाना है कि मारना है, यही हमारी गवर्नमेंट आज, यही है इंसाफ आज का, कोई किसी ने आज तक ये हमारा बात नहीं सुना है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा सुनना चाहिए, आगे यहाँ देखना चाहिए भाई ये क्या जुल्म क्या है, तूफान कौन सा है, ये यहाँ कोई आना चाहिए। इस वक्त तो आ गया, आज जब सब गांव वालों को भी पता चला, जो हमारे निचले कुछ गांव थे उनको भी पता चला कि भाई यहाँ कुछ जुल्म है इन पर, ये भी आ गया आज इनको भी पता चला। पानी जब आ गया पीछे से इनको भी पूरा पता चला कि क्या है। इस वक्त सब आ गया, हालांकि अगर 3 जगहों में ये बांट कर रहे ये पानी इतने, फिर ये घर आए हैं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।